आदमी और हीरे में एक फर्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आज का शीर्षक है अपने को तराशो, दुनिया खुद कीमत बताएगी। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे यह जीवन क्यों मिला है, इतनी बड़ी दुनिया में मेरी कीमत क्या है। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी। आम वाले ने कहा, मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था, उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूं। वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी ने उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती पत्थर रूबी है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी हाथ जोड़कर बोला, मैं 1 करोड़ रुपये देने को तैयार हूँ। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह आदमी सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने इसकी कीमत 1 बोरी लगाई और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी कीमत उतनी लगाई। ऐसे ही यह जीवन है, हर आदमी हीरे के समान है। दुनिया जितना पहचान पाती है उसे उतना महत्व देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप खुद को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा एक नए शीर्षक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।